VOBK यानी कि VO ग्राम संगठन की BK ग्राम संगठन की बुक कीपर लेखपाल दीदी के लिए नई अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आगे ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो के माध्यम से VO बुक कीपर के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी है और समूह की सब दीदियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में और मेरा सब दीदी को बहुत बहुत नमस्ते। सबसे पहले हम आपको बताएंगे VO बुक कीपर के कार्यों को लेकर अपडेट। तो देखिए, ग्राम संगठन की भी अपनी एक बुक कीपर होती है जो ग्राम संगठन का लेखा जोखा करने के लिए रखी जाती है। ग्राम संगठन में बुक कीपर के पद पर आवेदन लिए जाते हैं और ग्राम संगठन की जो बुक कीपर रजिस्टर लिखने के लिए एक दीदी को चुना जाता है जो कि समूह की ही कोई एक दीदी होती है। तो ग्राम संगठन के बुक कीपर जो ग्राम संगठन में पद रिक्त हैं बुक कीपर के, उस पर आवेदन हो भी रहे हैं, आप लोग जानकारी कर सकती हैं। और जो लोग बुक कीपर के पद पर कार्य कर रही हैं वह नई अपडेट जरूर जान लीजिए। बुक कीपर के पद पर जिन्होंने आवेदन किया था उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। वीडियो मैंने अपलोड की है, ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर देख लीजिएगा, उस पर मैंने सारी जानकारी ट्रेनिंग से रिलेटेड और आवेदन से रिलेटेड बताई हैं, तो वो जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में है ग्राम संगठन के बुक कीपर को लेकर उनके कार्यों की अपडेट। तो आप सभी को ये तो पता ही है कि ग्राम संगठन की जो BK होती है वो ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखने का कार्य करती हैं, लेकिन ग्राम संगठन की जो BK हैं अब डिजिटल तरीके से ऑनलाइन तरीके से भी लेखा जोखा करेंगी। जिस प्रकार से समूह में समूह के अपने रजिस्टर होते हैं और समूह की BK रजिस्टर को लिखती है या समूह सखी उनके रजिस्टर को मेंटेन करवाने में सहयोग करती हैं, उसी प्रकार से ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखने का काम ग्राम संगठन की चयनित BK दीदी करती है। तो BK दीदी जो ग्राम संगठन की होती है उनका चयन होता है, उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है, उनको मानदेय दिया जाता है। तो ग्राम संगठन के भी अपने अलग रजिस्टर होते हैं। अब सरकार के द्वारा NRLM विभाग की तरफ से एक नई अपडेट के अनुसार सब कुछ ऑनलाइन भी अपलोड किया जाएगा। पहले रजिस्टर ऑफलाइन लिखे जाते थे, वो तो लिखे जाएंगे, लेकिन अब सारा डाटा ऑनलाइन भी फीड किया जाएगा। यह कार्य ग्राम संगठन की BK दीदी करेगी। समूहों का सारा डाटा ऑनलाइन समूह सखी की जिम्मेदारी है, वह करती है लोकेश ऐप पर, और ग्राम संगठन का डाटा फीड करेगी BK दीदी लोकेश ऐप पर। तो लोकेश ऐप जो बनाया गया है इस ऐप पर सारा डाटा फीड करना है। तो ग्राम संगठन में क्या क्या डाटा जो है वो BK दीदी ऑनलाइन लोकेश ऐप पर फीड करेंगी, उसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो ग्राम संगठन का स्थापना हुई, ग्राम संगठन का जो गठन हुआ वो कब हुआ, उसकी डेट, ठीक है। फिर ग्राम संगठन की प्रथम बैठक, जो भी रजिस्टर में लिखी गई शुरुआत में ग्राम संगठन की प्रथम बैठक, उसका बैठक का रजिस्टर से फोटो खींचेंगी, ठीक है, वो अपलोड होगा। ग्राम संगठन की पदाधिकारी कौन कौन है, OB सदस्य कौन कौन है, वो पदाधिकारी के आधार की फोटोकॉपी, उनका भी फोटो और उनका नाम, उनके पति का नाम, परिवार का जो भी विवरण वगैरह, वो सब फीड किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ग्राम संगठन की उप समितियाँ क्या क्या बनाई गई हैं, उप समितियों के नाम, उसमें कितनी दीदियाँ हैं, उन दीदियों के नाम, उनके पति के नाम, उनका जो है नाम विवरण जो है वो सारा जो फीड किया जाएगा। फिर ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़े हैं, कौन कौन से समूह जुड़े हैं, समूहों के क्या नाम हैं, उन समूहों में कौन कौन दीदियाँ हैं, कितनी दीदियाँ हैं, दीदियों के नाम, उनके पति के नाम, पता वगैरह, ये सब जो है उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ये सब फीड की जाएगी। तो यह सब कुछ जो इम्पोर्टेंट डाटा है ये ऑनलाइन लोकेश ऐप पर फीड किया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय लेन देन की जानकारी भी अपलोड की जाएगी। जैसे ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड, जिसको व्यवस्थापना फंड कहते हैं, या स्टार्टिंग ग्राम संगठन की होती है तो स्टार्टअप फंड भी कहते हैं, तो वह होता है 75,000। तो वह 75,000 एक ही बार में आपको मिल गया है पूरा, या 25,000 एक बार में, 50,000 एक बार में, दो बार करके मिला है, जैसे भी मिला है, वह किस किस डेट में कितना कितना पैसा मिला है वो फीड करना है। पासबुक की जो है फोटोकॉपी मतलब होती है प्रिंट आउट, वो मतलब फीड करना है। उसके अलावा ग्राम संगठन का जो बैंक में खाता खुला है उसमें जो है किस किस के नाम जुड़े हैं,
हैं, कौन कौन खाता संचालक है, खाते का विवरण, खाता कब ओपन हुआ था, ये सारी डेट वगैरह भी फीड करनी है। इसके अलावा ग्राम संगठन की बैठक में जो कितना फंड कौन कौन प्रकार का आया है, सारे फंड की जानकारी, कब आया था, कितना आया था, वो फीड करना है, और कौन कौन सा फंड नहीं आया है वो भी आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा ग्राम संगठन के थ्रू समूह में पैसा दिया गया है तो वह पैसा समूह के माध्यम से कब कब कितना कितना ग्राम संगठन में मूलधन ब्याज वापसी आ रहा है और कितना बाकी है, प्राप्ति भुगतान रसीद विवरण, मतलब ग्राम संगठन की मीटिंग में कार्रवाई है वो सब कुछ, रजिस्टर की फोटो खींच खाँच के जो भी बैठक होती है रजिस्टर कम्प्लीट करके सब कुछ अपलोड करना है। ग्राम संगठन की बैठक जो हर महीने होती है वो भी अपलोड है, कुछ ये डाटा ऑनलाइन अपलोड करना होगा लोकेश ऐप पर। ये महत्वपूर्ण बिंदु मैंने अपनी तरफ से आपको जानकारी के उद्देश्य से बताए हैं, बाकी क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना है ये तो बीके दीदी को ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता रहेगा, जैसे जैसे आपको निर्देश मिलेगा आप उसी हिसाब से काम करती रहेंगी। तो यह कुछ नई अपडेट है जो कि आप सभी लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो हो जाएगी, जिनको है तो अच्छी बात है। तो अभी जो दीदियां ट्रेनिंग के लिए पहली पहली बार जा रही हैं बीके की ट्रेनिंग के लिए, ग्राम संगठन की बीके, तो उनको इस तरीके से ही ट्रेनिंग मिलेगी। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बीके के मानदेय को लेकर के। देखिए बीके जो होती है ग्राम संगठन की, तो ग्राम संगठन की बैठक ग्राम संगठन में महीने में एक बार होती या दो बार होती, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो बीके दीदी को एक ग्राम संगठन में एक या दो दिन ही जाना होता है, इसलिए किसी ग्राम संगठन में 400 किसी में 500 रुपए बीके दीदी को दिए जाते हैं। तो वो ग्राम संगठन की जो बचत होती है, जो भी ब्याज होता है, उसी से बीके दीदी को मानदेय मिलता है। बीके दीदी को मानदेय सरकार की तरफ से, NRLM की तरफ से, या ब्लॉक की तरफ से, या ऊपर से कहीं से नहीं मिलता है। लिखा पढ़ी सब होती है, लेकिन जो पैसा है, जो बीके दीदी का मानदेय है, वो ग्राम संगठन की निधि से ही दिया जाता है। दीदी एक से अधिक ग्राम संगठन के रजिस्टर भी लिख सकती हैं और अलग अलग ग्राम संगठन से अलग अलग मानदेय भी मिलता है। तो आप 4 से 5 ग्राम संगठन देख सकती हैं। अगर आपको एक ग्राम संगठन से 500 रुपया मिलता है तो 5 ग्राम संगठन अगर आप देख रही हैं तो आपको 2500 रुपया मिलेगा। अगर आप ग्राम संगठन 5 देख रही हैं और एक ग्राम संगठन से आपको 600 रुपया मिलता है तो आपको 5 ग्राम संगठन का 3000 रुपये मिलेगा। यदि आपको एक ग्राम संगठन से 400 रुपया मिलता है तो अलग अलग ग्राम संगठन के रजिस्टर देखने का 400 के हिसाब से ही रुपया मिलेगा। तो यह कुछ जानकारी है आपके ग्राम संगठन में बीके के मानदेय को लेकर, इसी हिसाब से मिलता है। बाकी नई अपडेट के अनुसार जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। तो ग्राम संगठन की पूंजी के हिसाब से ही ग्राम संगठन से बीके का मानदेय निकाला जाता है। यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नई नई जानकारी लेकर आपके लिए आते रहें। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।